हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं एक आज एक नया वीडियो। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स AASR की तैयारी के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, बोला था कि बहुत ही जल्द मैं इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस के या जो उसकी है कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आज उसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो क्या है, आज हम यहाँ पर रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे आपके सभी के चॉइसेस भी पूछी थी कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहला पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादा लोगों के कमेंट्स नहीं आए हैं, जितने भी लोगों आए हैं उसमें से कुछ ने रीजनिंग का, कुछ जीएस का, कुछ लोगों ने फिजिक्स का बोला है। तो आप मैं सभी वीडियोस आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो आज उसका पहला वीडियो मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है जोर से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जोर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आपसे क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे ईजी होता है ABCD, यानी A to Z तक आपको ABCD तो आती ही होगी, बेसिक सी चीज़ है। तो इसमें कितने टोटल लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो आपको ऐसे जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए आपके पेपर में, तो फटाक से आपको बिल्कुल से 2 या 3 4 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे, आपको पूरी ABCD लिख लेनी है। और उसमें क्या है, नीचे आपको डिजिट उसका नंबर लिख लेना है 1 to 26, यानी कि उसमें 26 पूरे लेटर होते हैं। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, ऐसे लिख लेना है पूरा जेड तक, 26 तक। तो ये आपका एक हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपोजिट, कभी कभी अपोजिट पूछ देता है कि एक अपोजिट क्या है। तो एक अपोजिट जेड होता है, B का Y होता है, C का X, D का W, E का V, F का U, Z का T, H का S, I का R, Z का Q, K का P, L का O और M का N अपोजिट होता है। तो क्या है, ये ऐसा नहीं कि ए का जेड ही केवल होता है, तो जेड का अपोजिट भी ए हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ही अपोजिट होते हैं। और कहाँ तक आप जा सकते हैं, एन तक जा सकते हैं। ए लिखिए, A to N तक लिखिए, बस उसके बाद आप अपोजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को कोड में लिखा गया है YLFWRUB लिखा जाता है, तो फेल्योर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप जैसे कि आपने बात की हमने कि लेटर 1 to 26, यानी कि 26 लेटर होते हैं A to Z तक, तो उसी तरीके से आप लिख लेंगे और सबको नंबर दे लेंगे कि किस किस नंबर पर कौन कौन सा आता है। तो और इसी तरीके से आप नीचे फेल्योर को भी लिख लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आगे चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट पेज, एक नया पेज हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, विक्ट्री को आप ऐसे लिख लेंगे और उसके नीचे आप क्या है ये लिख लेंगे जो कोड दिया गया है YLFWRUB। तो वी के नीचे देख रहे हैं आप वाई आ रहा है यहाँ पर, आई के नीचे एल, सी के नीचे एफ, टी के नीचे डब्ल्यू, ओ के नीचे आर, आर के नीचे यू और वाई के नीचे बी यहाँ पर आ रहा है। ये इसकी कोडिंग की गई है कि विक्ट्री को बताया गया है कि इस तरीके से आप लिखा गया है। तो फेल्योर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए अब इसको डिकोड करते हैं यहाँ पर, उसका जानते हैं आंसर। तो देखिए वी और वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, वी और वाई के बीच में कितने लेटर हैं। तो वी डब्ल्यू एक्स कितना, W, X और Y आ जा रहा है, W और X के बाद Y आ जा रहा है, यानी कि तीन डिजिट का प्लस हो रहा है यहाँ पर। I के बाद J, K, L, यानी कि फिर यहाँ पर तीन डिजिट, C के बाद D, E, F, यहाँ पर भी तीन, T के बाद P, Q, R, S, T, U, V, यहाँ पर तीन का, O के बाद P, Q, यहाँ भी तीन का, और R के बाद R, S, T, U, और Y के बाद कितना आ रहा है, वहाँ के Y के बाद भी तीन डिजिट हो रहा है, Z और A का, तो यहाँ पर भी तीन, यानी कि तीन तीन डिजिट का यहाँ पर अंतर हो रहा है। तो वी के बाद आई, तो इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पर आप समझ गए ऊपर का करके कि तीन डिजिट का गैप हो रहा है, तो नीचे भी अब तीन डिजिट का ही गैप होगा। तो एफ का तीन डिजिट का गैप करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो आई आ जाएगा, एफ का नीचे आ जाएगा आई, ए के नीचे क्या आ जाएगा आपका BC D आ जाएगा, आई का फिर क्या आ जाएगा, आई का एल आ जाएगा, एल का क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, और आपका U का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, R का आपका U हो जाएगा और E का आपका H हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से कितना गैप हो रहा है एक दूसरे के बीच में। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखा, चलिए हम पहले पेज में चले जाते हैं, और हमने जो निकाला है यहाँ पर कि आई डी एल
OXUH किससे मैच हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किससे मैच हो रहा है। यहाँ पर पहले पेज में तो IDLOUI तो B नंबर से आपका मैच हो रहा है, IDLOXUH यानी कि यहाँ पर B नंबर से आपका मैच हो रहा है। इस प्रकार से आपने डिकोड कर लिया कि फेल्योर को इस ऑप्शन B आपका जो यहाँ पर ये क्या है लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट उसी तरीके से सवाल है कि ये चीज किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है तो ड्रिंक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ से डिकोड कर लेना, उसी तरीके से आपको लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लिया है हम लोगों ने कि प्रिंट को देखिए यहाँ पर ये कोड किया गया है उसको, और यहाँ पर ड्रिंक का आपको कोड बताना है। तो डिकोड करके देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर्स का यहाँ पर गैप हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी से के बाद क्या है, PQR यानी कि PQR 2 का यहाँ पर, फिर R के बाद STU, I के बाद JKLMNO, ये इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो IJKL इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अंतर हो रहा है, यहाँ पर बढ़ जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, N के बाद आप देखेंगे कि N के बाद क्या हो रहा है, N के बाद देखिए आर के बाद क्या है, RSTU यहाँ पर क्या है, 3 का हो गया। देखिए शुरू में क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, यहाँ फिर 3 हो गया। आई के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जा रहा है। आई के बाद 4 का गैप हो जा रहा है, एन के बाद फिर कितना गैप हो जा रहा है आपका, 5 गैप हो जा रहा है, और एस के बाद टी के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, 6 का गैप हो जा रहा है। इस तरीके से यानी कि एक एक डिजिट आगे बढ़ जा रहा है, 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब ड्रिंक आपको निकालना है, ड्रिंक का तो ड्रिंक का 2 डिजिट का गैप क्या होगा, एफ होगा, ABCDEF। आर के आर का क्या होगा, अब 3 डिजिट का आपको यहाँ पर गैप करना है तो PQRSTU, STU यहाँ पर 3 डिजिट का हो गया तो FU। आई के बाद क्या हो गया, IJKLM। तो इस तरीके से क्या है, आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसी को देख करके आप यहाँ पर आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम है जिसके शुरू के 3 से 4 लेटर मैच हों, बाकी आप जाइए ही मत। हाँ आप कंफर्म करने के लिए पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही आंसर उसका निकाल सकते हैं कि क्या होगा, FUMSQ। देखिए यहाँ पर कौन सा इस पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। हाँ आप ये क्वेश्चन अगर और अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो को आराम से पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद नोट डाउन करिए, और जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप भी सॉल्व करके देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो जाए। कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कहीं यहाँ पर अटक रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ उसको जरूर से शेयर करें, बताएं अपनी समस्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक एक नेक्स्ट तरीका हमने लिया, नेक्स्ट टाइप लिया यहाँ पर, कि यदि पेंसिल को कॉपी, कॉपी को किताब, किताब को कलम, कलम को अखबार, और अखबार को उपन्यास, तथा उपन्यास को प्रेम प्रेस कहते हैं, तो हम समाचार के लिए क्या पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ना है आपको इसको, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, या क्या बोल रहा है, या क्या कह रहा है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत ही इजी सवाल होता है, तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए। पेंसिल को कॉपी, कॉपी को किताब, किताब को कलम, कलम को अखबार, अखबार को उपन्यास, तथा उपन्यास को प्रेस कहते हैं, तो हम समाचार के लिए क्या पढ़ते हैं। तो हम समाचार के लिए जनरली अखबार ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अखबार को क्या कहा जा रहा है, देखिए अखबार को उपन्यास कहा जा रहा है, क्या अखबार को उपन्यास कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अखबार एक एक जगह आपको और दिख रहा होगा कि कलम को अखबार कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कलम को अखबार कौन सा ऑप्शन सही करें, कलम ऑप्शन सही करें यहाँ पर, या उपन्यास ऑप्शन सही करें। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम क्या पढ़ते हैं, न्यूज़ समाचार पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अखबार का, न्यूज़पेपर का प्रयोग करते हैं। तो बस उसी को कि अखबार को उपन्यास कहा जा रहा है, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, उपन्यास, यानी कि उपन्यास पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। कोई इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन उसका फिर से एक बार आपको बता दूंगा, अगर आप परेशानी होती है, वैसे आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए कलम को अखबार, कलम को अखबार नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि हम कलम तो यूज़ करते नहीं हैं पेपर, उसको समाचार पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अखबार का, न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं। तो आप उसको वही उसको याद रखना है कि अखबार को उपन्यास, यानी कि हम उपन्यास पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए एक एक टाइप और ही है ये, डी कोडिंग डो कोडिंग का बहुत ही अच्छा है, और
बहुत ही आसान टाइप होता है, बस देखने में थोड़ा लेंदी लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत ही ईजी होता है। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5 to 6 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ ब्लू कलर और 4, 3, 6 का अर्थ कलर इज फन हो, तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो आप थोड़ा पढ़कर थोड़ा हिचक रहे होंगे या देख रहे होंगे किस तरीके से क्या है, तो आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट अपनी कॉपी में और हमारे साथ साथ लगाइए। चलिए अब उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं आगे आगे पेज पर। तो देखिए वही हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 5 to 6 स्काई इज ब्लू, 2, 4 ब्लू कलर, 4, 3, 6 कलर इज फन। देखिए अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर देखिए 5 to 6 तीन डिजिट लिखी हुई है, स्काई इज ब्लू तीन वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि तीन डिजिट तीन वर्ड, 24 दो डिजिट ब्लू कलर दो वर्ड, 4, 3, 6 तीन डिजिट कलर इज फन फोर थ्री वर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फन को आपको निकालना है कि फन क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि ऊपर की सबसे पहले ऊपर की दो डिजिट ले लेते हैं हम, इस और जो सवाल होते हैं उसमें क्या करते हैं कि ऊपर की दो डिजिट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 to 6 और 24 को ले लिया, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी डिजिट मैच कर रही हैं इन दोनों में, 5 to 6 और 24 में। तो यहाँ पर आपका दो कौन सी डिजिट, 2 यहाँ पर मैच कर रही है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहली लाइन में भी है और दूसरी लाइन में, तो कौन सा वर्ड है आपको मिल गया यहाँ पर, ब्लू ब्लू मिल गया, क्या आपको ब्लू मिल गया, यानी कि आपका ब्लू आ गया, ब्लू हट गया, यानी 2 डिनोट कर रहा है ब्लू के लिए। हाँ आपको ये इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि कौन अरेंजमेंट कौन कहाँ लिखा है, आप यहाँ पर सोचेंगे कि 2 तो 20 में लिखा है लेकिन ब्लू यहाँ पर किनारे लिखा है, कोई बात नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि कौन डिजिट मैच कर रही है और कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। अगर 2 2 है तो वहाँ पर क्या ब्लू ब्लू, देखिए मैच कर रहा है तो 2 क्या डिनोट हो गया ब्लू। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड लाइन को लेते हैं, तो क्या है यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4, 3, 6 है, तो कौन सा इसमें डिजिट मैच कर रही है, इसमें 4 डिजिट मैच कर रही है, और देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, तो यहाँ पर एक कलर मैच कर रहा है और यहाँ पर भी एक कलर मैच कर रहा है, यानी कि 4 क्या डिनोट करेगा, 4 आपका कलर डिनोट करेगा। चलिए ठीक है, 4 कलर हो गया, 2 ब्लू हो गया। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन को हम लोग मैच करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी डिजिट मैच करती है, तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट फिर मैच हो रही है, 6 और 6 मैच हो रही है, कौन सी 6 और 6। तो देखते हैं यहाँ पर पहली और थर्ड लाइन में कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इज मैच हो रहा है, यहाँ पर भी इज मैच हो रहा है, यानी कि 6 आपका क्या है जो आपका इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या बचा है यहाँ पर, फन, तो फन को आप निकाल सकते हैं, तो फन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए आखिरी में फन बचता है और यहाँ पर नीचे क्या बचता है, केवल 3, कौन सी डिजिट बचती है, 3, तो यहाँ पर फन आपका जो है 3 को डिनोट करेगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करिए, अपने आप से सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ उसको शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है यहाँ पर, अब डिजिट की जगह यहाँ पर क्या है स्पेशल करेक्टर्स ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन पेंसिल को डॉलर या एट द रेट लिखा जाता है और इरेजर शार्पनर को एट द रेट हैज लिखा जाता है तथा पेंसिल इरेजर को डॉलर एट द रेट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हैस लिखा जाएगा या डॉलर लिखा जाएगा या जो ये जो कॉपीराइट का सिंबल है ये लिखा जाएगा या हैस या डॉलर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं, देखते हैं क्या इसका हो सकता है संभव। आप मैंने एक तरीका आपको बता दिया, फटाफट आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में और साथ साथ करते जाइए। देखिए पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर और पेंसिल और इरेजर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि हम मैंने जैसे बताया कि पहली और दूसरी लाइन, तो आप बोलेंगे कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में कोई लेटर मैच ही नहीं कर रहा है या स्पेशल करेक्टर मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ हम क्या ले लें कि मैच करने लगे। तो या तो आप पहला और थर्ड लाइन ले लीजिए, या आप सेकेंड और फोर्थ लाइन ले लीजिए, कौन सी पहली या थर्ड या सेकंड और फोर्थ लाइन ले लीजिए। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर पहली और थर्ड लाइन ले लेते हैं, तो पहली लाइन में क्या है पेंसिल है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी पेंसिल है। चलिए यहाँ पर पेंसिल पेंसिल मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं अब कौन चीज़ यहाँ पर मैच कर रही है। तो देखिए यहाँ पर भी डॉलर है और यहाँ पर भी डॉलर है, अरेंजमेंट कोई भी हो, पेंसिल कहीं भी लिखा हो, पेंसिल यहाँ पर भी, वहाँ पर डॉलर सिंबल कहीं पर भी बना हो, बस आपको देखना है मैच क्या कर रहा है। मेरी बातों को आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो क्या मैच कर रहा है डॉलर, तो हम जान गए कि पेंसिल को डॉलर डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर
दूसरी और चौथी लाइन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वर्ड मैच कर रहे हैं, इरेजर इरेजर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्पेशल करेक्टर मैच कर रहा है, तो एट द रेट यानी कि इरेजर का सिंबल क्या हो गया, एट द रेट, इरेजर का जो आपका सिंबल हो गया वो आपका एट द रेट हो गया, बस आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेन पूछ रहा है यानी कि अब क्या बचता है, केवल पेन ही तो बचता है आपका यहाँ पर, तो पेन क्या क्या डिनोट करेगा, कॉपीराइट के सिंबल को, क्या डिनोट करेगा, पेन आपका जो है कॉपीराइट के सिंबल को मैच करेगा, क्योंकि यही एक बचता है। चलिए अब देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। मैं अपना खुद का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप करेक्ट आंसर जान सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपनी आपसे इसको नोट करना है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके देखिए कि यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं तथा कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे। आपको बहुत इजी है, मैंने आपको एक सवाल पहले ही बता दिया, दूसरा मैंने आपके लिए बताया है, यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, किसी चीज़ के बारे में आप स्पेशली जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एयरफोर्स की तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उसका भी ये लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।